हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेस्ट नंबर 23 में। ठीक है, 22 टेस्ट हमारे हो गए हैं और हम लोग कंटिन्यू अभी भी, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर टेस्ट की तरफ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने टेस्ट बुक का नहीं खरीदा अभी तक, है ना, ईयरली पास, वो खरीद सकते हैं। उनको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड डाल सकते हैं, SQOBIC। ठीक है, इसके थ्रू उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी इंस्टेंट वैल्यू होगी उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। EEG का प्रयोग जो है वो किसकी जांच के लिए किया था, हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 23 का। तो गाइस ध्यान रखना आप लोग, EEG का प्रयोग जो ना मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के लिए जो है वो EEG का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। तो पहले का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ओके, दूसरे की बात करते हैं गाइस हम लोग। किस बीमारी में लॉग जॉ के नाम से जाना जाता है? भाई टिटनेस का जो आखिरी स्टेप होता है गाइस, टिटनेस जो लगता है ना, जो कि लोहे से जंग लगे लोहे से ये वायरस एंटर करता है बॉडी में, या फिर जो घोड़े का जो लीद होती है, या कह लो जो वेस्ट होता है ना, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसके अंदर भी होता है। तो दोनों से ही टिटनेस होता है। टिटनेस में आखिरी स्टेज में क्या होता है कि बॉडी जो है वो फ्रीज हो जाती है, तो लॉक हो जाती है एकदम से, तो उसको लॉक जो कहते हैं। भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? भाई सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो है गाइस वो गुजरात में होता है। ठीक है, जो दांडी मार्च था वो भी कुछ यही इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे, उसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को हम लोग मनाते हैं गाइस 14 दिसंबर को। ठीक है ना, 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग 10 दिसंबर को हम लोग नोबेल प्राइज़ जो दिया था वो होता है। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर वर्ल्ड लिटरेसी डे या कंप्यूटर डे मनाते हैं कुछ इस प्रकार से। मानव शरीर में सामान्य कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? भाई हमारे जो मानव होता है, मानव शरीर में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है गाइस, वो एक उसमें 46 क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर होते हैं तो 46 हो जाते हैं। ठीक है ना, यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। ठीक है, भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडल पर जो तापमान होता है गाइस, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा। ठीक है ना, सूर्य से मिलने वाली किरणें जो रिफ्लेक्ट नहीं होकर जाती हैं, और ये भी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को खत्म किया? अमेरिका के गए जो 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन, उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया था दास प्रथा को। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो थे वो बराक ओबामा थे। कौन सा एक जीव है जो अपने चारों ओर देख सकता है? भाई चींटी जो है वो अपने चारों ओर देख सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी पीरियड हाथी का होता है गाइस, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जब मांसपेशियाँ होती हैं वो इसकी होती हैं। राउरकेला इस्पात उद्योग जो है किस देश की सहायता से लगाया गया था? ये मैं आपको करा चुका हूँ कि हमारे देश में जितने भी इस्पात उद्योग लगाएंगे या तो वो जर्मनी या वो रूस की सहायता से लगाए। रूस इसमें है नहीं, रूस इसमें है वैसे तो। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल वैसे जर्मनी है। राउरकेला जो लगाया गया था वो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। टिटिनिया सोलिनियम परजीवी किसके परजीवी के रूप में रहता है? भाई एक प्रकार का समझ लो, एक तरह का कीड़ा है, जैसे बहुत सारे कीड़े हमारे शरीर में रहते हैं तो वो परजीवी कहलाएंगे क्योंकि वो हमारे पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इसका आंसर है ये सुअर है। ठीक है, सुअर के अंदर ये इस प्रकार के जो है ना परजीवी पाए जाते हैं, यानी कि कीड़े पाए जाते हैं। 13वें का आंसर लिखो गाइस आप लोग। रडार का आविष्कार किसने किया था? वॉटसन। 13वें का आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको क्रॉस चेक जरूर करना एक बार। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर बी कह रहा हूँ, रॉबर्ट वॉटसन वॉट, बट एक बार इसको जरूर चेक करना आप लोग। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? भाई देखो एक पुस्तक है गाइज, माई कैम्फ। माई कैम्फ जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ माई लाइफ। ठीक है, माई लाइफ जो है वो बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति की कथा है। ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? ताला जल विद्युत परियोजना जो है गाइज वो भूटान में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चिकित्सा का भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? भाई एंशिएंट इंडिया में
चिकित्सा के लिए जो सबसे फेमस व्यक्ति है वो धन्वंतरी है, इसलिए चिकित्सा का भगवान जो है वो धन्वंतरी को कहा जाता है। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला कहाँ में स्थित है? ठीक है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे ये इराक में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। करबला की बात हुई, ध्यान रखना मक्का मदीना की बात नहीं हुई है। विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे कहा जाता है? विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक जो है वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अपोलो किस देश के भविष्यवाणी के देवता हैं? भाई ये जितने भी ग्रीक है ना, यानी कि यूनान जो है, यूनान में बहुत सारे देवता हैं। ठीक है, तो अपोलो जो है वहाँ के एक देवता है जो कि क्या करते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं या भविष्यवाणी के देवता हैं। सौर ऊर्जा के रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? भाई सौर ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए सिलिकॉन्स की सेल्स ही होती हैं जो रिचार्जेबल सेल्स होती है ना, जो धूप में चार्ज हो जाती हैं। इसके अलावा गाइस अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो भी सौर ऊर्जा के आधार पर ही कार्य करते हैं। ठीक है ना, उनको एनर्जी जो मिलती है वो सौर ऊर्जा से मिलती है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन महतो जो है वो किसके, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो 21वें का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता जो है उसके आंसर है। ताशकंद समझौता कहाँ पे हुआ था? एक्चुअली ताशकंद एक शहर है, वहाँ पे समझौता हुआ जिसमें हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री की जो हत्या हुई थी वो उसी उसी के थ्रू हुई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक उज्बेकिस्तान में, वैसे ये पाकिस्तान से ऊपर। ठीक है, कंपास घास का मैदान जो, कंपास नहीं एक्चुअली ये पंपास है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, पंपास लिखा होना चाहिए था। पंपास का जो घास के मैदान होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, 2400। दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण जो है किस चट्टान में हुआ है? 24 का आंसर बी हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टाने जो है उससे दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है जिससे वो प्योर हो जाता है या साफ हो जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? भाई सबसे पहले जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी ना वो लाहौर सेशन में की गई थी, तो इसका आंसर लाहौर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है इसका, लाहौर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और पहला ये शब्द पाकिस्तान जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने दिया था, तो इसका आंसर वो हो जाएगा, इसका आंसर लाहौर हो जाएगा। बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सर्वाधिक, इसका आंसर डी हो जाएगा इस। ठीक है ना, न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। ये बिजनेस के पर्पस से भी है, व्यापार के पर्पस से बताया जा रहा है ये क्वेश्चन। भारत में एंग्लो फ्रेंच के निर्णायक लड़ाई किसके बीच हुई थी? भाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुई थी, जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके उसमें जो विजय मिली थी वो अंग्रेजों को मिली थी, सी आंसर है। वांडीवास का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? वंडीवास का युद्ध गाइज वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है ना, जो ये अभी हमने पढ़ा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, वो इसी के बीच में हुआ था, जिसको वंडीवास का युद्ध भी कहते हैं। भारत का प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना जो यंत्र है गाइज वो वीणा ही है। ठीक है, आपने देखा ही होगा सरस्वती माता के हाथों में वीणा ही होता है, तो सबसे पुराना वीणा ही है। महिलाओं को आजीवन, इसके अलावा समुद्रगुप्त को भी इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। महिलाओं का आजीवन मूछ और दाढ़ी किस हारमोन्स के कारण नहीं आते हैं? भाई जो फीमेल कैरेक्टर है गाइज महिलाओं में वो एस्ट्रोजन के कारण होता है, जबकि पुरुषों में जो मेल कैरेक्टर आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। तो इसका आंसर फिलहाल बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर पुरुषों के लिए होता तो फिर पुरुषों में आते हैं तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए होता है। एडॉल्फ हिटलर किसके विरोधी थे? एडॉल्फ हिटलर जो विरोधी थे गाइज वो यहूदियों के थे। ठीक है ना, यहूदीज, ज्यूज। जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? भाई जूनागढ़ अभिलेख को रुद्र दामन ने लिखवाया था, रुद्र दामन प्रथम। ठीक है, गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? सबसे पहले जब उन्होंने सबसे पहला आंदोलन जो ऑफिशियल आंदोलन किया था गाइज वो अहमदाबाद आंदोलन था, तो सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल का जो एक हथियार बनाया था वो उसको उसी में बनाया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है गाइज, क्योंकि ये लाखों का दान देता था, गुलाम वंश का संस्थापक था, इसे दास वंश या ममलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? भाई राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? भाई
जो एम्बलम है भारत सरकार का, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, जो हमने मुंडोको उपनिषद से लिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक घोड़ा और एक बुल भी, यानी कि सांड भी बना हुआ है, जो कि प्रगति और विकास का प्रतीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट का नियंत्रण जो है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम सेबी ही करती है, ठीक है। तो ये हमारे 38 क्वेश्चन है, थोड़े से मैंने जल्दी में कराए हैं, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था मैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर देना, ठीक है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेस्ट नंबर 24 के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।